रंग गुलाल के महापर्व होली तिहार बर बाजार पूरा तरीका ले सज चुके हे। दुकान मन म कई प्रकार के कलर, स्प्रे, गुलाल के गिफ्ट पैक और आकर्षक डिजाइन के पिचकारी नजर आवत हे। रायपुर तिल्दा नेवरा क्षेत्र के थोक और चिल्हर दुकान मन म घलो कई वैरायटी और विभिन्न रंग के गुलाल और आनी बानी के डिजाइनिंग स्टाइलिश पिचकारी टंगे हुए हे। रंग रंग के टोपी, बाल, टी शर्ट, तितली और कार्टून करेक्टर के पिचकारी समेत कई अन्य एसेसरीज मार्केट में नजर आवत हे। लेकिन ये दारी घलो पाछू बछर के जैसे बिक्री कम होए के कारण व्यापारी मन चिंतित नजर आवत हे। दुकानदार मन बताइन के बाजार में होली बर कई प्रकार के मुखौटा समेत विभिन्न ब्रांड के अबीर, रंग गुलाल और स्प्रे विभिन्न कंपनी द्वारा उतारे गए। पिचकारी बाजार में दारी चाइनीज ले दूर देसी आइटम के ज़्यादा डिमांड है। रंग में हुईया केमिकल के वजह ले हर्बल रंग लोगन के पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन पिचकारी से लेके गुलाल तक के कीमत में 15-20% तक के बढ़ोतरी हो गई है। महंगाई के कारण ग्राहक मन घलो थोड़ा मायूस नजर आवत है। उमन के कहना है कि पिचकारी 10 रुपया से लेके 1200 रुपया तक में उपलब्ध है, लेकिन महंगाई के कारण उमन खरीददारी सीमित मात्रा में ही करत है। बता दें कि कोरोना काल के लंबा समय के बाद ये बछर होली तिहार ला धूमधाम ले मनाए के तैयारी हुआ थे। यही कारण व्यापारी मन घलो अच्छा खासा बिक्री होए के उम्मीद में सड़क में स्टॉल लगा के तरह तरह के वैरायटी के रंग गुलाल और देसी पिचकारी सजाए है। लेकिन बेलगाम महंगाई होली के रंग में भंग डारत नजर आवत है। बाद हम पूरे नए धंधा स्टार्ट करे हैं होली तिहार वाला सामान बेचे के। तो ये साल भी कोरोना काल के बाद हमन हर धंधा स्टार्ट करे हवन, तो सब सामान मन के रेट बढ़ गए हवन, तो थोड़ा दिक्कत हुआ थे आदमी मन के आए के, और मार्केट भी नहीं है ज़्यादा। और कटे खरीदारी अभी हुआ थे, अभी बिक्री कैसे? अभी बिक्री ठीक ठाक हुआ थे, ज़्यादा भी नहीं हुआ थे ना कम भी नहीं है, ठीक है। मार्केट में बहुत सुना सुना दिखा, ग्राहक के आवत नहीं है। हाँ तो अभी नजदीक आई होली है, थोड़ा मार्केट ही 2 दिन बची ना, तो थोड़ा मार्केट अच्छा रही। ये भी अभी कतेक बिक्री हुआ थे? वो जमा 1000-1200 रुपए के थे। सामान मन के रेट बढ़ गए? सामान मन के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए, और ग्राहक मन थोड़ा ये हुआ थे, हिचकिचावत थे, रेट ज़्यादा लगावा था करके।